Hey everyone, welcome to Shams IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हेयर आई एम विद 8th चैप्टर ऑफ क्लास 7th हिस्ट्री. सो हमारा जो 8th चैप्टर है वो है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. सो हेयर इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस या पॉलिटिकल फॉर्मेशंस आई थी, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ठीक है, सो चैप्टर शुरू होता है कि अगर हम मैप 1 और 2 को देखें. सो जो हमारा मैप 1 है, ये है हमारा मैप 1 और ये है मैप 2. ठीक है, सो इन दो मैप्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है जैसे जैसे और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम एमर्ज हुए हैं, वैसे वैसे हमारे मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज है उसमें बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो हेयर इज़ द मैप 1. तो ये है हमारी मुगल एम्पायर की एक्सटर्नल बाउंड्रीज सी. ठीक है, ये है हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज दिस मच. तो ये पूरा जो अंदर का एरिया है ये मुगल एम्पायर के अंडर आता है. और अगर हम मैप 2 में जाए तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि 1765, ये मैप 1765 का है और ये मैप है 1700 का. ठीक है, सो 65 ईयर्स का यहाँ पे सिस्टम है. सो 1765 में हम यहाँ पे देखें तो ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे उन्होंने ईस्टर्न इंडिया का ही काफ़ी काफ़ी मतलब जो बड़ी बड़ी जगहें थी वहाँ पे अपना टेरिटरी उस मतलब ईस्टर्न इंडिया को ग्रैब कर लिया था. ईस्टर्न इंडिया में ब्रिटिश राज करना शुरू कर चुके थे. यहाँ पे देखो ये वाला एरिया है, जो भी ये रेडिश रेडिश का एरिया है, ये सारा जो है ये मुगल एम्पायर इनका है, ब्रिटिशर्स ने इधर राज कर लिया था. ठीक है, सो ये मैप हमें ये भी बता रहे हैं कि 18th सेंचुरी में इंडिया बहुत ही ड्रामेटिकली मतलब बहुत ही बड़े तरीके से हमें चेंज देखने को मिलता है इंडिया में काफ़ी कम टाइम के अंदर. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे कैसे नए पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज हुए हमारे सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी में. ठीक है, फर्स्ट हाफ सेंचुरी में जहाँ पर हम देखेंगे जब से 1707 से लेके 1761 जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके बाद पानीपत की तीसरी जो लड़ाई थी, तब तक का हम यहाँ पे टाइम देखने वाले हैं. ठीक है, 1707 से 1761. ठीक है, तो शुरू करते हैं द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. कैसे मुगल एम्पायर में क्राइसिस हमें देखने को मिली, कैसे मुगल एम्पायर टूटने लगा. तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कैसे मुगल एम्पायर इतना सक्सेसफुल हो गया था, इतनी मतलब इतनी तरह तरह की वहाँ पर पावर थी मुगल के पास, मुगलों के पास. तो ये ऐसा क्या टाइम आ गया कि मुगलों को बहुत सारी क्राइसिस फेस करनी पड़ रही है. ठीक है, वो भी 17th सेंचुरी जैसे जैसे ख़त्म हुई और 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही. ठीक है, इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स है, एक या दो रीजंस नहीं है मुगल एम्पायर का इतने जल्दी से मतलब इतना कम हो जाना, इतना इतना क्राइसिस देखने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे. ठीक है, जिसमें से एक था कि जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी. ठीक है, और उन लड़ाइयों की वजह से जो है मतलब जो डेक्कन की लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई उनके डेक्कन की लड़ाई पे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो काफ़ी कम हो गए, मतलब मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी. ठीक है, उसके अलावा उनके जो सक्सेसर्स थे उनके अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी एफिशिएंसी थी वो पूरी टूट गई. ठीक है, फिर उसके अलावा जो उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सब कुछ देखने को हमें मिला तो जो मुगल एम्पायर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो उनके मनसबदार थे जिनको जो उनके नोबल्स थे उनको ना वो चेक नहीं रख पा रहे थे उनके ऊपर. देखो क्या हुआ, जो भी नोबल्स थे जिनको उन्होंने गवर्नर मतलब जिनको सूबेदार या फिर मतलब ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट में उन्होंने बिठा दिया था, वो क्या करने लगे कि वो सारे रेवेन्यू उठाते थे. ठीक है, वो सारा रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के पास आता था, दीवानी और फौजदारी उन्हीं के पास तो जाता था, वही तो इकट्ठा करते थे. तो उनके वजह से क्या हुआ कि उनके पास एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मिलिट्री पावर आ गई, जो कि मतलब मुगल एम्पायर के जो बहुत ही बड़े बड़े रीजन्स थे वहाँ पे उनके वजह से उनके पास काफ़ी पावर आ गई. ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो भी नोबल्स थे इन्होंने अपने प्रोविंसेस पे कंट्रोल्स जमा करना शुरू किया. उन्होंने क्या किया, जो भी छोटी छोटी इनके पास जगहें थी जहाँ पे इनके पास पावर था उसको इकट्ठा कर दिया. ठीक है, और एक अपना ही उन्होंने अलग से एक बड़ा सा गवर्नेंस बना दिया, जिसकी वजह से भी उनका जो मतलब उनको तो जो उनके नोबल्स थे उनके पास तो सफिशेंट पैसा आ रहा था, बट जो मुगल्स थे उनको
उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल और डिक्लाइन हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे और जो ज़मींदारी थे, उन्होंने भी मतलब वो उनके खिलाफ जाना शुरू हो गए, बिकॉज उनके ऊपर स्पेशली जो नॉर्थन और वेस्टर्न पार्ट के जो पीजेंट्स थे, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा रिवोल्ट करना शुरू किया, क्योंकि जो भी टैक्सेस हैं वो तो वही पे कर रहे थे, सारा टैक्सेस का जो प्रेशर है वो उन्हीं के ऊपर चला गया। डेट इज़ द रीज़न कि उन्होंने भी काफ़ी रिबेलियन करना शुरू किया, ठीक है, जिसकी वजह से भी मुगल के जो एम्पायर था, जो अथॉरिटी थी, उधर थोड़े चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो मुगल अथॉरिटी है, उन्होंने पहले भी ऐसे चैलेंजेस फेस किए थे, बट अब ये जो ग्रुप्स थे उस टाइम पे उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ करता था, तो फिर वो अपनी पोजीशन को बचा के रख लिया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। देखो, जो भी मुगल एम्परर्स थे औरंगजेब के बाद, वो जो ग्रेजुअल मतलब जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी में जो भी शिफ्ट आ रहा था, वो उनको नहीं अरेस्ट कर पा रहे थे, उस पर नहीं वो संभल पा रहे थे, जिसकी वजह से जो है मुगल एम्पायर अपने आप ही डूबता चला जा रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुगलों ने फेस की। उसके बाद क्या हुआ, जब इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, उसके बीच में क्या हुआ कि ईरान का जो रूलर था नदीर शाह, उन्होंने मतलब दिल्ली पे अटैक किया और उनकी काफ़ी बहुत बड़ी वेल्थ वो ले गए, मतलब उन पे इन्वेजन किया और पे हमला किया, और उनकी बहुत सारी जो उनकी जायदाद थी, जो वेल्थ थी, उसको वो अपने साथ ले गए, ठीक है। इस इन्वेशन के थोड़े टाइम के बाद ही, मतलब साथ साथ में ही, अफगान के एक रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने भी जो नॉर्थ है, इंडिया का जो नॉर्थ है, उसको 5 बार उन्होंने इन्वेड किया 1748 से 1761 की वजह से, जिसकी वजह से भी मुगल एम्परर की जो वेल्थ है उनमें काफ़ी हमें डिप्लेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हर तरीके से, जब हर साइड से हम देखें तो मुगलों को इतना सारा प्रेशर था, हर कहीं अटैक्स आ रहे हैं, उनका इकोनॉमिक वो नहीं है, उनके जो पीजेंट्स हैं वो भी उनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनके जो नोबल्स थे, और उनका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो नोबल्स थे वो भी कॉम्पिटिशन में उतर आए थे, ठीक है। सो उनके नोबल्स थे वो उनके साथ नहीं थे, उनके उनकी कॉम्पिटिशन में खड़े हो गए थे, इसलिए मुगल एम्परर जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो ये जो मुगल्स थे, इन्होंने जो उनके नोबल्स थे, इन्होंने खुद को डिवाइड करा 2 ग्रुप्स में, जिनको ईरानीज और तुरानीज बोला गया, ठीक है। तो काफ़ी बड़े टाइम तक जो मुगल्स थे वो इन्हीं के हाथ की कठपुतलियाँ बन के रह गए, या तो ईरानीज के या तो तुरानीज के, एक के पास जाता था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल ग्रुप्स थे, तो जो जिसके पास भी ज़्यादा पावर होता था, मुगल उनके हाथों की कठपुतली बन जाया करती थी, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बुरा, जो वर्स्ट, जो सबसे बुरा चीज़ हो सकता था, वो हुआ जब 2 मुगल एम्परर्स फारूक सियार और अलमगीर टू को असेसिनेट कर दिया, मतलब उनको मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। और अहमद शाह और शाह आलम टू, इन दो जो एम्परर्स थे, उनको ब्लाइंडेड कर दिया गया, इनकी आंखें निकाल दी गई, ठीक है, उन्हीं के नोबल्स के द्वारा, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर्स थे, उनकी जो प्रोविंसेस थी, जो उनके सूबेदार थे, जमींदार थे, ये सारे मतलब इन्होंने तो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जो राज करा था, अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे जगहों पे, ठीक है। सो उसके वजह से मुगल तो मतलब मुगल का जो एम्परर्स था वो तो डिक्लाइन करता ही चला गया, उनके जो नोबल्स थे उन्होंने जगह जगह पर अपने अपनी राज या अपने गवर्नर्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं राजपूत के बारे में, ठीक है, कि राजपूत थे, उन्होंने क्या किया जब ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे राजपूत किंग्स थे जो बेसिकली अंबर और जोधपुर को बिलोंग करते थे, उन्होंने किसी टाइम पे मुगल के अंडर काम करा था, ठीक है, जिसकी वजह, और उनके अंडर क्या होता था कि मुगल जब उनके अंडर काम मतलब वो जब मुगल के अंडर काम किया करते थे, तो बदले में मुगल उनको एक ऑटोनॉमी दे दिया करते थे, एक रीजन दे दिया करते थे जहाँ पे वो राज करते थे, ठीक है। सो 18th सेंचुरी में अब ये जो रूलर्स थे, इन्होंने ट्राई किया कि ये अपना अपने इस कंट्रोल को और बढ़ाएंगे, और अलग अलग रीजन्स में अपना ये टाइम, ये जो है एरिया, ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जो अजीत सिंह थे, जोधपुर के एक रूलर, उन्होंने वो भी मतलब मुगलों का जो कोर्ट था, जिसमें ये फैक्शनल पॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस की जाती थी, उधर वो इन्वॉल्व थे, मतलब अजीत सिंह भी उनका पार्ट थे, ठीक है। तो जो राजपूत फैमिलीज थी, इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज बेसिकली, उन्होंने गुजरात और मालवा जैसी जो रिच रिच प्रोविंसेस थी,
उधर उनकी सूबेदारी पे क्लेम करा कि ये हमारी सूबेदारी है, ठीक है। तो जो राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, उन्होंने गुजरात गुजरात का पूरा जो गवर्नेंस है वो उठा लिया, अपने अंडर कर दिया। और सब जो अंबर के जो सफाई राजा सिंह सफाई राजा जय सिंह थे, उन्होंने मालवा मालवा पे अपना राज उन्होंने बसा लिया, ठीक है। फिर ये जो ऑफिसेस थे इनको रिन्यू करा। जो एक एम्परर थे जहांदार जहांदार शाह, इन 1713 में इन ऑफिसेस को उन्होंने रिन्यू करा, ठीक है। उन्होंने ट्राई करा कि जो भी इनके टेरिटरीज हैं, इनके जो मतलब जो नेबरिंग वतन है, जो नेबरिंग एरियाज है, उनकी टेरिटरी को भी वो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर कर लेंगे और अपना एरिया और मतलब बढ़ा देंगे। तो जो नगूर है उनको जोधपुर के मतलब उनको जोधपुर के अंडर आ गया, जोधपुर के जो राजा थे वो उसके अंडर आ गया, ठीक है। और अंबर के जो राजा थे उन्होंने बूंदी का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन अपने अंडर कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर को अपनी नई कैपिटल बनाई और आगरा की सूबेदारी उनको मिल गई 1722 में, ठीक है। तो जो मराठा कैंपेन्स थे मतलब जो मराठा कैंपेन्स थे वो सारे राजस्थान में आ गए, मतलब राजस्थान के जो भी मराठा कैंपेन्स थे 1714 में, उनके भी सारे जो प्रिंसिपैलिटीज थी उन पर प्रेशर डाला गया। और उनके फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी उन लोगों ने ध्यान रखा कि इनका भी अगर हम कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं तो उस पर भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तब हम देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस। सीजिंग इंडिपेंडेंस का मतलब हुआ अपने इंडिपेंडेंस का मतलब हक, हक कैसे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस लाई, ठीक है। अपने इंडिपेंडेंस का सभी को हक होता है, तो उन्होंने कैसे लड़ाई करी। तो सबसे पहले आते हैं सिख, ठीक है। तो सिखों ने अपनी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई वो बनाई 17th सेंचुरी में, ठीक है। जिसकी वजह से जो पंजाब है वो एक रीजनल स्टेट बन करके आ पाया, ठीक है। काफ़ी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा राजपूत और मुगल रूलर्स के खिलाफ, खालसा बनने के बाद भी और खालसा बनने के पहले भी उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। जब 1708 में उनकी डेथ हुई तब खालसा का जो रिवोल्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और बंदा बहादुर की लीडरशिप के अंडर उन्होंने मुगल अथॉरिटी के अंदर के अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट करे, ठीक है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने ही कॉइन्स बनाए जिनमें उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का नाम लिखा। और जो उनका एरिया था सतलुज और जमुना के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बीच का जो एरिया था उधर उन्होंने अपने सिक्के बना के उनका हेल्प कर उनको बना उनको मतलब एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और वो एक तरफ का साइन बन गया कि ये एरिया हमारे अंडर है, मतलब कि यहाँ पे हमारे कॉइन्स चलते हैं, ठीक है। तो जो बंदा बहादुर थे जिनके अंडर वो ये सब कुछ कर रहे थे उनको 1715 में कैप्चर कर लिया गया, यानी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, काइंड ऑफ उनको मतलब उन्होंने अपने अंडर कर लिया। और 1716 में उनको मार दिया, ठीक है। मतलब बंदा बहादुर को 1715 में उन्हें पकड़ लिया और 1716 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया या उनका मर्डर कर दिया गया, ठीक है, 1716 में। तो अब 18th सेंचुरी में बहुत सारे लीडर्स आए और सिखों ने इन्हीं लीडर्स के अंडर क्या करा कि खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया जाठास और मिसलिस के अंदर, ठीक है। पहले उन्होंने जाठा बनाए फिर उन्होंने मिसलिस बनाए और उनके अंदर खुद को डिवाइड कर दिया। और जब ये दोनों मिलते थे, जब ये दोनों अपनी कंबाइन फोर्सेस बनाते थे तब उनको ग्रैंड आर्मी बोला गया या दल खालसा उन्हें बोला जाता था, ठीक है। तो इनकी जो एंटायर बॉडी है, जो इनका पूरा जो सिस्टम है वो मिलता था बैसाखी और दिवाली के टाइम पे, और वो पूरा डिसीजन लिया करते थे, कलेक्टिव डिसीजन लिया करते थे, जिनको रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु भी बोला जाता है या गुरु मतास बोला जाता है। मतलब वो वहाँ बैठ के गुरुओं के मत लेते थे कि गुरु क्या बोलते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था राखी। राखी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जिसमें उन्होंने बोला कि कल्टिवेटर्स अगर आप हमें अपना अपने जो भी आप बनाते हो उसका 20% एज टैक्स दोगे तो हम आपको बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस सिस्टम को उन्होंने राखी सिस्टम बोला। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने जो खालसा पंथ था उनको ऐसे इंस्पायर करा और उनको ये या उनको ये बताया कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो किस्मत है, हम रूल करने के लिए ही बने हैं, हम राज करने के लिए ही बने हैं। उन्होंने बोला राज करेगा खालसा, ठीक है। ये गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि खालसा जो पंथ है वो राज करने के लिए ही बना गया है। तो उसमें उसकी वजह से क्या हुआ, उनमें बहुत सारे और एक बोल सकते हो एक इंस्पिरेशन आई और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें की जिसमें से काफ़ी सक्सेसफुल हुई, जिसमें उन्होंने पहले जो मुगल गवर्नर एक मुगल गवर्नर थे पहले
पहले उन्होंने उनको उनके रेसिस्ट किया, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने पंजाब का एक रिच प्रोविन एक मतलब जो एक बड़ा प्रोविनेंस था जो उनके अंडर था, और सरकार ऑफ सिंध फ्रॉम मुगल्स, इन सब का उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट गए, उनके अगेंस्ट लड़ाइयाँ करी इन्होंने, रिवोल्ट करे, ठीक है। फिर खालसा ने खुद को मतलब फिर खालसा ने एक अपनी अपना जो उनका सवेरन रूल था उसको दिखाने के लिए उन्होंने फिर से अपने कॉइन्स बनाए 1765 में, जो उन्हीं कॉइन्स के तरह दिखते थे जो उन्होंने बंदा बहादुर के टाइम पर बनाए थे, ठीक है, जो सिख उस टाइम बनाए गए थे। तो जो सिख टेरिटरी है वो लेट 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, मतलब इंडस से लेके जमुना तक, इंडस नदी से लेके जमुना तक का जो भी एरिया था वो पूरा सिख टेरिटरी के अंदर ही आता था, पर अलग अलग रूलर्स उनको मतलब अलग अलग रूलर्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। उनमें से एक थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, जिन्होंने इन ग्रुप्स को मतलब फिर से जोड़ा था और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाई थी 1799 में, ठीक है। फिर आते हैं मराठास। मराठास भी एक काफ़ी काफ़ी पावरफुल रीजनल किंगडम थे जो जो भी मुगल रूल के अगेंस्ट थे, ठीक है। शिवाजी थे, उन्होंने काफ़ी किंगडम्स बनाए और वो मतलब एक काफ़ी जो पावरफुल वॉरियर फैमिली है जिनको देशमुख बोला जाता था वो उनके सपोर्ट में थे, ठीक है। उसके अलावा जो हाईली मोबाइल लोग होते हैं, हाईली मोबाइल मतलब जो ट्रैवल करते रहते हैं, जो चलते रहते हैं, जिसमें पीजेंट्स और पेस्टोलेट्स आते हैं जिनको कुनबीज बोला जाता था, वो मराठा आर्मी की बैकबोन बनी है, मतलब उन्होंने मराठा आर्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। तो शिवाजी ने मतलब जो भी हमारा पेनिनसुला था, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो वाला पार्ट होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो हमारे इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ये पेनिनसुला वाला पार्ट है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जब तक शिवाजी थे तब तक उन्होंने अपने इस पेनिनसुला को मुगल्स मतलब मुगल्स इस पे बेसिकली राज करना चाहते थे। तो जब शिवाजी की डेथ हो गई तो जो मराठास थे वो काफ़ी मतलब पावर थी उनमें, इफेक्टिव पावर थी, बट उनके जो भी ये पावर थी वो उसके अलावा मतलब शिवाजी की डेथ के बाद जो चित पवन ब्राह्मण्स है उनके अंडर चला गई मतलब ये सारी, बट जो शिवाजी के सक्सेसर्स थे मतलब जो शिवाजी के बाद जो आए उनके बच्चे उनके पोते, उनको उन्होंने एज अ पेशवा ही उन्होंने माना, मतलब प्रधानमंत्री की तरह से उन्होंने शिवाजी के सक्सेसर्स को ट्रीट करा, ठीक है। मराठा किंगडम की जो कैपिटल है वो पूना बन गई और पेशवास के अंडर जो मराठास थे उन्होंने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उनकी ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी ये सक्सेस इनको इसीलिए मिली क्योंकि जब इन्होंने मुगल्स पे अटैक करा तो जो फोर्टिफाइड एरिया था मतलब जो उनका जिनमें वो किला वाला एरिया था जो दीवारों से घिरा हुआ एरिया था उसको इग्नोर करके उसको बाईपास करके जो सिटीज़ है उधर उन्होंने अटैक करा, सिटीज़ पे उन्होंने रेड डाली, जिसकी वजह से जो है मुगल आर्मीज की जो सप्लाई लाइन्स है और जो भी उनकी मतलब जो जहाँ से भी उनको मतलब सप्लाई आता था वो काफ़ी इजी तरीके से डिस्टर्ब हो गया बिकॉज उन्होंने टाउन्स में और सिटीज़ में ही डायरेक्ट मतलब रेड की। तो 1720 और 1761 के बाद जो मराठा एम्पायर है वो काफ़ी बड़े उसमें मतलब एक्सपेंड हो रहा था, वो ग्रेजुअली उन्होंने मुगल एम्पायर की जो भी अथॉरिटी थी और मुगल की जो अथॉरिटी थी उनको वो मतलब हटाए जा रहे थे, चिप किए जा रहे थे। तो जो मालवा थे और जो गुजरात थे वो भी वो मुगल्स ने 1720s के अपने अंडर कर लिए थे। तो 1730s में जो मराठा किंग है उन्होंने उनको पूरे डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलोड यानी कि उनका भगवान उनको माना जा रहा था, बिकॉज जो एरिया मतलब जो 1720s में मालवा और गुजरात जो मुगल के पास था 1720 में मराठास ने उन्हें भी छुड़ाकर अपने एम्पायर के अंडर कर लिया, इसलिए जो भी डेक्कन पेनिनसुला का जो एंटायर एरिया था वो मराठा किंग को ओवरलोड की तरह रिकग्नाइज कर रहा था, ठीक है। उसके बाद उनके पास राइट आ गया कि वो चौथ और सरदेशी मुखी है, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ टैक्सेस है, वो भी उन्हीं के पास आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथ के अंडर क्या है कि चौथ बोलता है कि जो लैंड रेवेन्यू है, जो जमींदार लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका 25% जो है वो मतलब उन्हीं के पास चला जाएगा, ठीक है, ये उनको पास कलेक्ट करने का मौका आ गया था। और सरदेश मुखी में जो लैंड रेवेन्यू है 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन, ठीक है।
वीवी हाँ, सो जब उन्होंने 1737 में दिल्ली को रेड किया, उसके बाद जो मराठा का जो मतलब डोमिनेशन, जो उनका डोमिनेशन था, वो बहुत ही बड़े तरीके से उन्होंने बहुत ही रैपिडली एक्सपेंड हुआ। राजस्थान और पंजाब, मतलब नॉर्थ में अगर देखें तो राजस्थान और पंजाब, और अगर हम ईस्ट में देखें तो बंगाल एंड उड़ीसा, और अगर हम जो साउथ के बारे में अगर हम देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु और जो भी तेलुगु कंट्रीज थी, वो सारी जो है वो वापस मराठास के अंडर आ गई। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल फॉर्मली तो नहीं आई थी मराठा के अंडर, तो मराठास ने उनको बोला कि बिल्कुल फॉर्मली तुम हमारे अंडर आने के अलावा के बजाय तुम हमारे जो सक्सेसर है, जो हमारे मतलब जो जो किंग है, उनको ट्रिब्यूट पे करो मराठास को, कि तुमने मतलब हमें अपना लिया है, डैट काइंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना बड़ा एरिया हम मराठास ने कवर कर लिया था, तो उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनके पास एनॉर्मस रिसोर्सेज आ गए, उनकी मिलिट्री कैंपेन्स भी बन गए। ठीक है, बट जब वो इनके पास इतना सा उन्होंने इतने सारे मिलिट्री कैंपेन्स बना दिए, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो दूसरे राजा थे उनको भी वो मराठास कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहे थे। तो जो पानीपत की लड़ाई हुई, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, उधर मराठास को दूसरे राजाओं जो दूसरे राजा थे उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं करा था। ठीक है, तो जब उनकी एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स बन चुकी थी, तब मराठास ने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी बना लिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या वो क्या करते थे कि वो अपना रेवेन्यू, जो उनका रेवेन्यू है, वो जब वो किसी भी एरिया से लेते थे तो पहले वो लोकल कंडीशन देखते थे कि वहाँ पे कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो टैक्स वहाँ से लिया करते थे, रेवेन्यू वहाँ से लिया करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है उसको और मतलब और एनकरेज किया गया, और ट्रेड भी रिवाइव की गई, जिसकी वजह से जो चीफ है मतलब सिंधिया के और जो गायकवाड़ के जो सिंध है, उन्होंने भी मराठास को मतलब अपने जो पावरफुल आर्मीज है उनको भी रिसोर्स उनको मतलब यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया था। तो जो मराठा कैंपेन्स थे मालवा में 1720s में, उन्होंने मतलब डायरेक्ट उनको चैलेंज नहीं किया, बिकॉज जब मराठा उधर गए तो मालवा को उन्होंने मतलब ऐसे बिल्कुल चैलेंज नहीं किया, उनको बिल्कुल भी चेंज भी नहीं किया उधर, बल्कि उनकी जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी थी सिटीज़ की, उनको वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो जो उज्जैन था वो और एक्सपेंड हुआ सिंधिया पैट्रोनेज के अंडर, और जो इंदौर है उनको जो इंदौर है उनको होलकर्स ने और ज़्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, और जैसे 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 टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे ये जो जगह थी, ये कमर्शियल और कल्चर सेंटर्स भी बने, बहुत नए नए रूट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए मराठास में, जो मराठास ही कंट्रोल करते थे। मतलब चंदेरी में जो सिल्क प्रोड्यूस करता था होता था, उनको पूना में एक पूना जो मराठा की कैपिटल थी, उधर भी एक नया मार्केट मिल गया था। ठीक है, फिर आता है बुरहानपुर, जो कि एक मतलब बुरहानपुर एक जगह है जिसमें मतलब आगरा और सूरत के बीच का जो ट्रेड है वो और एक्सपेंड हुआ गया और मतलब किया गया, बिकॉज अब नए नए तरीके से नए नए तरीके के रूट्स बन रहे थे, जिसके वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कहीं बनते थे वो कहीं जाके बिक रहे थे। ठीक है, फिर आते हैं जाट्स, और लोगों की तरह जाट्स ने भी अपनी पावर लेट 17th और 18th सेंचुरी में ही कंसोलिडेट करी। ठीक है, उनके लीडर चुरमन के अंदर उन्होंने मतलब सिटी ऑफ दिल्ली का जो वेस्ट है, दिल्ली का जो वेस्ट है उधर अपनी टेरिटरी सिचुएट करी 1680s के अंदर, और उन्होंने अपना जो मतलब 1680s में उनका जो डोमिनेशन है वो बढ़ा, वो भी बहुत ही दो जो बहुत इंपेरियल सिटीज़ थी, दिल्ली और आगरा, इधर उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, कुछ टाइम तक ऐसा लगता था कि दिल्ली जो आगरा का जो जगह है वो जाट्स ही चला रहे हैं, कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो जाट्स थे कौन, जाट्स बेसिकली बहुत ही प्रोस्पेरस एग्रीकल्चर्स थे। ठीक है, और इनके जो और पानीपत और बल्लभगढ़ के जो टाउन है वो इनके अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बने। ठीक है, सूरजमल जो इनके लीडर्स थे, सूरजमल के अंडर इन्होंने भरतपुर की किंगडम में अमर्ज किया और उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे सैक किया तब 1736 में, 1739 में सॉरी, तो जो बहुत सिटीज़ हैं मतलब उन्होंने ना काफ़ी नोटेबल रिफ्यूज़ किया मतलब उस टाइम पे। फिर उनके जो सन थे जवाहिर शाह, उनके पास पहले ही 30,000 ट्रूप्स थे अपने, उसके अलावा उन्होंने 20,000 और मराठा के लिए 15,000 सिख्स के ट्रूप लिए, फिर जाके उन्होंने मुगल से लड़ाई करी। ठीक है,
उसके अलावा जो भरतपुर फोर्ट है उनको, जो भरतपुर फोर्ट है बहुत ही फेयरली ट्रेडिशनल साइड में बन, मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया था, बट जाट्स ने, मतलब डिग में जो जाट्स थे उन्होंने जो अपने फोर्ट बनाए उन्होंने गार्डन पैलेस की तरह बनाए, मतलब उनके जो पैलेस थे वो गार्डन्स की तरह, गार्डन से घिरे हुए थे, गार्डन्स और बीच में उनका जो पैलेस है, ठीक है। और बट इस टाइम की जो ऐसी जो मतलब जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है ये सबसे पहले शाहजहां के टाइम पे देखा गया था, ठीक है। सो यस, हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो हमारी क्लास 7th ख़त्म हो चुकी है, अब हम क्लास 8th में जाएंगे इस चैप्टर के बाद। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।